इंदौर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मैं प्रार्थना करने गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, प्रदेश की सुख की चिंता करने कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही है, उसके बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट, जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%, इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था, ये तो हालात है। और 3 महीने से पूरा मीडिया देश का छाप रहा था कि ये दूसरा वेव आने वाला है। आज इंदौर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, इंदौर में भोपाल गैस का हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, आज कोई चिंता नहीं किसी को, केवल घोषणाएं कर लो और वैक्सीन लगाएंगे। क्या कितनी वैक्सीन लग रही है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि इंदौर में आज से कितनी वैक्सीन लग रही है, ये आंकड़े दें कितनों की वैक्सीन लगी, ये सबको पब्लिक करें। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की घोषणा कर दो। ये वैक्सीन की घोषणा 18 साल की इसीलिए की गई क्योंकि चुनाव चल रहे थे। ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। आज मैं तो प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप ये जो सच्चाई है, आज जो हमारा किसान तरस्त है, नौजवान तरस्त है, छोटा छोटा व्यापारी तरस्त है, ये सब सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। कांग्रेस का साथ या कमलनाथ का साथ तो बाद में दिया, पर सबसे पहले दमों के मतदाताओं ने सच्चाई का साथ दिया। देखिए, मेरी ममता जी से परसों बात हुई थी, मैंने उन्हें, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, यूथ कांग्रेस के समय से, जब वो यूथ कांग्रेस की सदस्य भी नहीं थी, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मैंने उन्हें मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। वो हमारे UPA की सदस्य हैं, आमंत्रित किया है कि आप खोलिए। किस प्रकार ममता को पूरे केंद्र सरकार से लड़ना पड़ा, मोदी जी से लड़ना पड़ा, उनके मंत्रियों से लड़ना पड़ा, उनके विधायकों से लड़ना पड़ा, CBI ED इनकम टैक्स से लड़ना पड़ा, और फिर भी उन्होंने उन सबको ऐसे लात मार के भगाया है। अब आज उनका प्रयास है कि बोलो हिंसा हो रही है, अब हिंसा गलत है, ये रास्ता बहुत गलत है। मैंने भी ममता जी को कहा कि हिंसा से आप सबको कहिए दूर रहें, पर आज ममता जी हमारे देश की अब नेता हैं, तीसरी दफ़े मुख्यमंत्री बनी है और ऐसे मुकाबले के बाद मुख्यमंत्री बनी है, ऐसा चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ। आज दोषी केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, इन्होंने लाशों पर राजनीति करी है, इनको जनता की चिंता नहीं थी।